तो लैब मैनुअल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैब मैनुअल से जैसे आपने किया है पॉलन जर्मिनेशन का किया है ना, पॉलन जर्मिनेशन, ये कौन सी सेल्स हैं, ये सबसे आगे जो पॉलन ट्यूब में सबसे आगे सेल है, ये कौन सी सेल है? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब सेल भी इसको कहेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके पीछे दो मेल्स मेल गैमिट जेमेट्स। हैं, यस सर। मेल गैमिट, ठीक। ये आउटर लेयर क्या कहते हैं इसे, सर एग्जाइम इनर लेयर। इन टाइम अच्छा, इसकी आउटर लेयर से रिलेटेड एक खास बात है, बताओगे क्या? सर, इसमें एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जिसे हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। यस स्पोरोपोलिनिन। सर, इट इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मोस्ट केमिकल। रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस, ठीक है। और अभी भी कई जगह कई ऐसे पोलन ग्रेन्स मिले हैं जो वायबल कंडीशंस में कई हजार साल पुराने हैं, ठीक है। और आपने क्या तैयार किया है, पॉलिनेशन इन एयर। एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या करेक्टरिस्टिक होती है? सर एयर पॉलिनेटेड, ये उसमें सर नेक्टर नहीं होना चाहिए और फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए फिदरी स्टिग्मा, और ऑर्डरलेस फ्लावर। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें, बहुत ज़्यादा इन्फ्लोरेसेंस, और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एक बार में, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसका डायग्राम नहीं बना है। चलो, ये ऑनियन रूट टिप, ऑनियन रूट टिप में यहाँ पर कौन सा डिवीज़न हो रहा है? माइटोसिस सेल डिवीज़न। माइटोसिस सेल में डिवीज़न में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? सर मेटाफेज, एनाफेज, मेटाफेज सबसे पहले आ जाएगी। नहीं सर प्रोफेज, हाँ, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। इनमें से सबसे बेस्ट सीन क्रोमोसोम किसमें होते हैं, सबसे बढ़िया से जिसमें दिखाई दें? मेटाफेज मेटाफेज में। क्या क्यों दिखाई देते हैं इसमें सबसे अच्छे से? सर, जो क्रोमोसोम होते हैं वो खुद को इक्वेटोरियल लाइन पे अरेंज किए होते हैं और कुछ खास बात, और दो एस्टरेज अपोजिट पोल पे दिखते हैं। क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस होते हैं इसलिए सबसे बेस्ट सीन होते हैं, ठीक है। ये फ्लावर में पीटल है, पीटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? सर कोरोला, कोरोला। सीपल के ग्रुप को? कैलेक्स, कैलेक्स, वेरी गुड। और स्टैमिन के ग्रुप को? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, गुड। ये टीएस ऑफ टेस्टिस में ये बीच में जो सेल्स हैं, इसके बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं इंटरस्टिशियल टिश्यूज, उसमें कौन सी सेल्स होती हैं? लेडिक सेल्स। लिडिक सेल्स। क्या फंक्शन है इसका? सर एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस एंड्रोजन करती हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? है मेल सेक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए, सेक्सुअल मेल भी कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड्रोजन्स, है ना। एंड्रोजन, किसी एंड्रोजन का नाम बताओ। सर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक। ये कैक्टस का प्लांट है, इसमें ये जो दिख रहे हैं कांटे वाले स्ट्रक्चर क्या कहते हैं इनको? स्पाइंस। जोर से बोलो, खाना नहीं खाई हो? स्पाइंस, ठीक है। स्पाइंस किसका मॉडिफिकेशन है? सर स्टेम का। स्टेम का। इसमें लीफ तो है नहीं, फिर लीफ का फंक्शन कौन करता है? सर थॉर्न्स। थॉर्न्स करते हैं लीफ का फंक्शन। लीफ का फंक्शन कौन करता है सर इसमें? स्पाइंस। अरे, स्पाइन तो मॉडिफाइड हो गए, स्पाइन तो इसका मॉडिफिकेशन होता है। फिर ये क्या है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर? सर फाइलोक्लाड। फिल्लोक्लैड, है ना। स्टेम होता है इसका, स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ की जगह वही काम कर रहा है, वही ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसको फिल्लोक्लैड कहते हैं, ठीक है। एस्कैरिस कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? सर नेमेटोडा। निमेटोडा फाइलम। मेल फीमेल एस्कैरिस में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? सर फीमेल जो होती हैं थिक होती हैं ठीक होती है। और मेल्स थोड़ा थिन होते हैं और मेल्स अगर का आपके सामने एक ही को एस्कैरिस दिया हुआ है, थिन है, थिक है या थिन है, तुम कैसे कंपैरिजन करोगे, कैसे सर पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है? मेल का जो पोस्टेरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है। कर्व्ड होता है ना, मेल का पोस्टेरियर एंड कर्व्ड होता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कौन सी डिजीज होती है इससे? सर एमोबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, गुड। और ये कितने होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता सर है? वन। वन होस्ट में। ऐसे पैरासाइट को क्या कहते हैं? सर मोनो, हाँ, मोनोजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। इसकी कौन सी स्टेज ह्यूमन के लिए
इन्फेक्टिव स्टेज होती है क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट, है ना। ये स्पोरोजॉइट है, कौन से एनिमल का है ये सर? स्पोरो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सी डिजीज होती है उससे सर? मलेरिया। मलेरिया होती है, ठीक ठीक। ब्लास्टुला, ब्लास्टुला में ये कैविटी कौन सी है ब्लास्टोसील कैविटी, है ना। और यहाँ पर जो सेल्स हैं उसको क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं। ये पेडिग्री का चार्ट आपने बनाया है, yes. पेडिग्री में स्क्वायर का सिंबल है, ये किसको डिनोट करता है? मेल। और सर्किल फीमेल, ठीक है। और जो कलर दिख रहा है वो सर इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड कोई डिजीज के लिए है क्या ये सर? अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उस केस में ये जिस कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं वो कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम दिखा रहे हैं अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंबल है ये किसके लिए होता है सर? मैरिज। मैरिज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ऐसे एक सिंबल दे देंगे, ये किसको शो करेगा सर? अनडिफाइंड, अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आपने वाइवा दिया है। तो वाइवा वगैरह जो भी होते हैं वो आपके लैब मैनुअल से पूछे जाते हैं और प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जितने अच्छे से आंसर दोगे, जितने कॉन्फिडेंस में आंसर दोगे उतना ही अच्छा रहता है। कभी आपको घबराना नहीं है, जो चीज़ आती है वो आपको बतानी है, जो नहीं आती है सॉरी बोल देना है, ठीक है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जो हमने देखी अक्सर बच्चों में ओवर स्मार्टनेस, वो नहीं करने की कोशिश, मतलब जो चीज़ नहीं आती ज़बरदस्ती उसको बताने की कोशिश करें, नहीं नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, घुमा फिरा के बताने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपको कुछ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जितना आप इसको स्टडी करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू।